बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार पार्टी के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो आज हम बनाएंगे बच्चों के खासकर फेवरेट ड्रम स्टिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको इसको घर पर बनाना बताऊंगी। इसके लिए आप ले लीजिए बोनलेस आधा किलो, ये मेरे पास चिकन है, इसको मैंने क्यूब में काट कर रख लिया था। एक मीडियम साइज़ का प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, चार हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा ये मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है। और ये मेरे पास है 1 अदद अंडा, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून ही मैंने मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून ही मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूंगी। और यहाँ पर है 1/2 कप ब्रेड क्रम, इसके अलावा 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून मैं सिरके का इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे पास आइसक्रीम स्टिक्स हैं, इनको मैंने पानी में भिगो कर रख लिया था। ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो चलें जल्दी से मज़ेदार से बच्चों के फेवरेट ड्रम स्टिक बनाना शुरू करते हैं। तमाम चीज़ें मैं चॉपर में डालूंगी और इसका टेस्ट आप यकीन मानिए बिल्कुल वैसे ही ड्रम स्टिक्स का है जैसे कि हम बेकरी से ख़रीद कर खाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ, मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप डब रोटी का एक बड़ा स्लाइस लेकर आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। इससे जो ब्रेड के आप कोफ्ते बनाएँ या फिर आप कबाब बनाएँ चिकन के, बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनते हैं। और यहाँ पर मैं ड्रम स्टिक बना रही हूँ, ये भी बहुत सॉफ्ट होंगे। तमाम चीज़ें मैंने चॉपर में डाल दी हैं और अच्छी तरह से हम तमाम चीज़ों को चॉप कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी ये सारी की सारी चीज़ें। अब हम एक अलहदा बर्तन में इस मिक्सचर को निकाल लेते हैं। हाथों को आप ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस करिए। कीमे की एक बॉल बना लेते हैं हम। आप चाहें तो गोल शेप भी दे सकते हैं ड्रम स्टिक्स को, आप चाहें तो ओवल शेप भी दे सकते हैं, अंडे की शेप के भी आप बना सकते हैं। और इस तरीके से हम इसके अंदर स्टिक लगा देंगे। और स्टिक को मैंने जैसा कि पहले बताया था कि मैंने गीला इसलिए किया ताकि जो कीमा है चिकन का वो स्टिक के साथ चिपक जाए, सेट हो जाए। और इसके बाद हम इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करेंगे और इस तरीके से तमाम ड्रम स्टिक्स बनाकर हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। और अगर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं एयर टाइट बर्तन में, और आप इसको पूरा महीना जब भी चाहें आप फ्रीज़र से निकालें। नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद फिर आप इनको फ्राई करें। क्योंकि मैं अभी फ्राई कर रही हूँ इसलिए मैंने इनको 5 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा था। और ये सेट हो चुके हैं। फ्रिज में रखने का मकसद ये होता है कि इनकी जो शेप है फ्राई करने के दौरान इनकी शेप ख़राब ना हो। और 5 मिनट मैंने रेफ्रिजरेटर रखने के बाद इनको मैं अब फ्राई कर लूँगी। ऑयल बहुत अच्छे तरीके से आपका गरम होना चाहिए, लेकिन फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए। पहले ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गरम करिए, फिर आप फ्लेम को लो और मीडियम के दरमियान में रखिए। उसके बाद वन बाय वन आप जितने इजीली बर्तन में आ सकते हैं ड्रम स्टिक्स उतने डालिए। और इनका जब कलर आप देख रहे हैं कि ब्राउन हो जाए और आप इनको किचन टॉवल पर निकाल लीजिए। बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये मज़ेदार सा हमारा ड्रम स्टिक्स प्लेटर बिल्कुल रेडी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।